हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हमारी आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम जैसे कि निफ्टी को एनालाइज करेंगे, तो जैसे कि दोस्तों हमारा वीकेंड है तो हमारी ग्लोबल मार्केट्स भी अब क्लोज हो चुकी हैं, तो हमें उससे उनको देख के कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि हमारा ग्लोबल ट्रेंड क्या कह रहा है, हमारी ग्लोबल मार्केट्स हमें क्या इंडिकेशन दे रही है कि हमारी मार्केट कल कहाँ ओपन होगी। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, हमारे जो ग्लोबल मार्केट्स है वो कहीं ना कहीं यूके मार्केट, डो जोन्स, एसजीएक्स निफ्टी, एसपीएस, नेक्सटैक, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम में ही क्लोज हुए हैं। ठीक है, बट दोस्तों हमारा एसजीएक्स निफ्टी है वो भी कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा जो निफ्टी है, हमारा इंडियन निफ्टी, कहीं ना कहीं हमारा 40 to 50 points गैप अप ओपनिंग हमें मंडे को दे सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से दोस्तों हमारे आगे का क्या प्राइजेक्शन रहना चाहिए, हमारे इंडियन मार्केट हमें क्या इंडिकेशन दे रही है, ठीक है, वो हम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी में आप देख पाएंगे कि एक ही ट्रेंड लाइन बहुत पीछे से ही रिस्पेक्ट होती हुई आ रही है। ठीक है, जिसमें मार्केट बार बार कहीं ना कहीं एक रिवर्सल फाउंड कर रहा है एज अ सपोर्ट, इसको ट्रेंड लाइन को टच करके। ठीक है, और यहीं से निफ्टी ने एग्जैक्ट अभी मार्केट के अंदर जैसे ही एक फॉल आया तो एग्जैक्ट आप देख पाएंगे कि यहीं से ही मार्केट ने एक रिवर्सल लिया। बट आप देखेंगे, नोटिस कर पा रहे होंगे आप, मैंने आपको बार बार अपनी वीडियोस में बताया भी कि जो 18,000 का लेवल है निफ्टी के लिए वो कहीं ना कहीं एक क्रूशियल सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। तो हम वेट करेंगे, एक इसमें कुछ आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक सिंपल प्राइस एक्शन है कि जब तक निफ्टी 18,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, जब तक मार्केट में कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नेगेटिव ट्रेंड ही बना रहेगा, एक साइडवेज मोमेंटम ही रहेगा, और जैसे ही ये 18,000 के लेवल को ब्रेक करता है हम मार्केट को वापस से ट्रेंडी होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो हम वेट करेंगे दोस्तों, जैसे ही आपका 18,000 का लेवल ब्रेक होता है हम मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम चेज करेंगे और इंट्राडे में अपना 1:2 का टारगेट हम इसमें इजीली अचीव करके चल सकते हैं। ठीक है, बट दोस्तों अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूं आपसे, तो नेगेटिव साइड में जो एज अ सपोर्ट इसके लिए काम कर रहा है, टेम्परेरी सपोर्ट, वो है 17,900 का लेवल। ठीक है, और वो इसको एज अ एक सिंपल आप देख पाएंगे, सॉरी जी, एक सिंपल सपोर्ट फाइंड करवा रहा है। ठीक है, और एग्जैक्टली यहीं पर निफ्टी बार बार आके एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट ने जब इसके रेंज के अंदर क्लोजिंग दी है और हमारे ग्लोबल इंडेक्सेस भी हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर या फिर साइडवेज में ही ओपन होगा, नेगेटिव साइड में तो ओपन होने से रहा, तो अगर हमारा निफ्टी दोस्तों नेगेटिव होता है, ठीक है, रनिंग मार्केट में, और इसको ब्रेक करता है आपके 17,900 के लेवल को, जो कि एक जोन है दोस्तों, एक पूरा का पूरा सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, जैसे ही आपका ब्रेक देता है तब आप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइड की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर भी ग्रैब कर सकते हो। और अपना फर्स्ट टारगेट जो है वो मैं आपको लेवल के हिसाब से बना के दे देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आप इसके अंदर 17,800 के लेवल के अराउंड पे रख के चल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों हमारी निफ्टी की एनालिसिस, कोई रॉकेट साइंस एनालिसिस नहीं है, सिंपल एक प्राइस एक्शन है कि निफ्टी एक क्लियरली साइडवेज जोन में है, हमारे ग्लोबल क्यूज हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं एक गैप अप ओपनिंग हमें देगा, तो निफ्टी कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर ओपन होएगा, ऐसी हमारी हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसका जैसे ही हमें बोथ पॉजिटिव या नेगेटिव कहीं भी ब्रेक देता है तो हम एक अच्छा खासा टारगेट निफ्टी के अंदर अचीव करके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे अगले इंडेक्स में, जो कि आपका बैंक निफ्टी, सॉरी जी, बैंक निफ्टी में आप दोस्तों देखेंगे एक क्लियर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको लेवल्स बना के दे दिए, बट इसको लेवल को मैं आपको बताने से पहले एक सिंपल आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने जैसा कि आप बैंकिंग के प्राइवेट सेक्टर्स के स्टॉक एनालाइज करें तो उनमें कहीं ना कहीं एक ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पे आके खड़े हो चुके हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको सबसे पहले एक क्लियर क्लियर दिखाई देता हूँ, जैसा कि सबसे हैवी वेटेड स्टॉक एचडीएफसी बैंक दिखाऊं मैं आपको। एचडीएफसी बैंक में आप दोस्तों देखेंगे, मैंने आपको मुहूर्त ट्रेडिंग में भी ये दिया था, पर इसने कहीं ना कहीं एक साइडवेज मोमेंटम में ही ये क्लोज हो गया। आप देखेंगे तो एक क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको ये बनाता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया, और ये कहीं ना कहीं राइट शोल्डर हो गया। ठीक है, और एग्जैक्टली अपने सपोर्ट जोन पे खड़े हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से रिवर्सल ले ले, हेड एंड शोल्डर को फॉल्स कर दे, बट हो सकता है कि दोस्तों यहाँ से नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा थोड़ा मार्केट के अंदर वॉच रखने की जरूरत पड़ सकती है कल बैंक निफ्टी में। ठीक है, दूसरा दोस्तों हैवी वेट स्टॉक है इसका आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है,
ये स्टॉक मैं आपको कल के लिए नहीं दे रहा हूँ, एक प्रोजेक्शन बता रहा हूँ कि हमारे बैंक निफ्टी में है प्राइवेट सेक्टर्स में क्या चल रहा है। तो आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में भी आपको एक ये ट्रेंड लाइंस कहीं ना कहीं बनते हुए दिख रही है। इसी चैनल के अंदर हमारा आईसीआईसीआई बैंक घूम रहा था, बट अचानक से जैसे उसका रिजल्ट एक बहुत अच्छा आया तो उसके बाद हमारे आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग हमें दी, बट मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन बनाते ही ये नीचे आता जा रहा है। तो अब इसमें हमें हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन को वापस ब्रेक करके इसी चैनल के अंदर आ जाए। ठीक है, तो हमें कल इन हैवी वेटेड स्टॉक्स को थोड़ा वॉच रखने की जरूरत है क्योंकि ये ही बैंक निफ्टी की डायरेक्शन को एनालाइज करेंगे। अब बैंक निफ्टी पे आते हैं, तो बैंक निफ्टी पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी जी, बैंक निफ्टी में भी एक आपको काइंड ऑफ दिख रहा होगा कि एक काइंड ऑफ ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये आपके राइट शोल्डर। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस वैसे आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बैंक निफ्टी 3400 के लेवल को नीचे की तरफ से ब्रेक करता है, ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, 39400 के लेवल को जैसे ही बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और सस्टेन कर जाता है मार्केट, तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और जो अपना फर्स्ट टारगेट है वो आप अराउंड अपना 38787 के अराउंड के लेवल तक का देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वेट करिएगा कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव हो रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वापस से पॉजिटिव होता है, हमारे हैवी वेटेड स्टॉक कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड कर जाते हैं, तो आप वेट करेंगे कि आपको जो बैंक निफ्टी है वो 39900 के लेवल को ब्रेक करे। ठीक है, उसके बाद ही आप मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रेड लेंगे और अपना जो फर्स्ट टारगेट है वो 40200 के लेवल का आप इजिली देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब आते हैं दोस्तों हमारे स्टॉक्स की लिस्ट पे। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये स्टॉक मैं आपको बताने से पहले दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि मैं आपके लिए हमेशा बेस्ट 4 स्टॉक्स लेके आता हूँ इंट्राडे के लिए। ठीक है दोस्तों, मेरे को एक पांचवा स्टॉक भी है जिसके अंदर बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। ठीक है, वो स्टॉक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है, और उसका क्लियर एक प्रोजेक्शन भी बता दूंगा। तो आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं और उसमें से अपना पांचवा स्टॉक का लाभ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पहला स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है आपका कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर में दोस्तों आप देखेंगे तो एक सिंपल प्राइस एक्शन है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट जोन पे आके खड़ा हो चुका है। ठीक है, बहुत क्रूशियल सपोर्ट है इसकी दोस्तों, ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी आगे दिखाता हूँ। आप देखेंगे तो हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन बनाने के बाद एग्जैक्टली यहीं से इसने कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको नेगेटिवनेस दिखाई थी। ठीक है, अब इसमें हमारा प्राइजेक्शन क्या हमें इंडिकेशन दे रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे आगे देखेंगे 1 आवर के पे, तो एक काइंड ऑफ आपको इसी क्रूशियल सपोर्ट जोन पे एक काइंड ऑफ आपको बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जहां पे आपका आरएसआई कहीं ना कहीं हायर हाइज बना रहा है और आपका जो प्राइजेक्शन है वो कहीं ना कहीं लोअर लोज बना रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, कल हमें वेट करना है कि अगर आपका कैडिला हेल्थ केयर एग्जैक्ट ब्रेक कर देता है आपका 500 के लेवल को, 500 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तब आप कहीं ना कहीं से पॉजिटिव साइड के लिए एंटर हो सकते हो और अपना जो फर्स्ट टारगेट है वो 1:2 का आप इसके अंदर इजीली अचीव कर जाओगे। स्टॉप लॉस की दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो 2 to 3 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है और दोनों ही साइड पे आप बहुत अच्छा खासा टारगेट इसके अंदर अचीव कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव साइड की मैं बात करूं तो आप नेगेटिव साइड पे अगर ये बेरिश डाइवर्जेंस आपका फेल हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स डाइवर्जेंस फेल होते हैं। ठीक है, तो एक आप वेट करेंगे कि आपका 486 का लेवल ब्रेक हो। ठीक है, 486 का लेवल अगर मार्केट उसके नीचे सस्टेन कर जाता है तब आप नेगेटिव साइड में भी 1:2 का टारगेट बहुत इजीली अचीव करके चल सकते हो। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे जो कि आपका इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल की मैं आपसे दोस्तों बात करूं तो आप एक क्लियर प्रोजेक्शन इसके अंदर भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, कि एक रेंज के अंदर हमारा इंडियन ऑयल चल रहा है। ठीक है, मैं इसको जरा हटा देता हूं जी, और इसी रेंज के अंदर आप देखेंगे एक मार्केट ने गैप अप ओपनिंग हमें दी थी। ठीक है, गैप अप ओपनिंग पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और इमिडिएटली मार्केट नीचे की तरफ वापस इस रेंज के अंदर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा प्रोजेक्शन क्या रहना चाहिए आप देखेंगे तो ये नियर बाय अपने इस रेजिस्टेंस जोन पे ही इसने हमें क्लोजिंग दी है। अब आप देखेंगे अगर कल आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर्स पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, उस सेक्टर पे आपको बहुत अपनी वॉच बना के चलनी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वेट करना है कि आपका 135 का लेवल ब्रेक हो। ठीक
ठीक है, जैसे ही आपका 135 का लेवल ब्रेक होता है आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं, और एक पॉजिटिव साइड पे बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, आपको 1:2 का टारगेट फर्स्ट मिल सकता है, और जो सेकंड टारगेट है वो 1:2.5 का आप उसके अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें स्टॉप लॉस की मैं आपसे बात करूं तो आप इसमें 0.5 to 1 rupees का अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे, जो कि आपका JSW स्टील। JSW स्टील की मैं आपसे बात करूं दोस्तों तो एक इसमें कोई रॉकेट साइंस एनालिसिस नहीं है, एक सिंपल काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, जिस रेंज के अंदर ये बार बार घूम रहा है, तो हमें वेट करना है कि कल ये हमें इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेक दे। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो डायरेक्टली ब्रेक पे एंटर होके अपना 1:2 का टारगेट अचीव करके चल सकते हैं, बट अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो कहीं ना कहीं वेट करेंगे कि आपकी रिट्रेसमेंट हो, और रिट्रेसमेंट के बाद ही आप एंटर होके एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम चेज करके चलोगे। ठीक है, और आप दोस्तों जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो आप वेट कर सकते हैं कि आपका जो लेवल है वो फर्स्ट लेवल तो आपका 683 का है ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग। ठीक है, अगर क्लोजिंग बेसिस पे या आपका 683 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो आप पॉजिटिव साइड पे एंटर हो सकते हैं। ठीक है, और अगर नेगेटिव साइड पे आपका ये लेवल ब्रेक करता है आपका, जो कि ये लेवल है जी 670 के अराउंड के लेवल का, अगर ये नेगेटिव साइड पे ब्रेक करता है तो आप इसमें नेगेटिव साइड के लिए भी बहुत अच्छा खासा एंटर होके 1:2 का टारगेट लगा के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की मैं आपसे बात करूं तो दोनों ही साइड पे आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो अराउंड 4 to 5 rupees का स्टॉप लॉस रहेगा, जिसके बदले में आप ये बहुत अच्छा खासा टारगेट अचीव करके चल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे आखिरी और मेरे फेवरेट स्टॉक पे, जो कल के लिए मेरे बहुत फेवरेट स्टॉक रहने वाला है मेरा, वो है TCS। TCS में देखेंगे दोस्तों IT सेक्टर का स्टॉक है, सिंपल एक क्लियर प्राइस एक्शन मैं आपको पहले दिखाऊंगा। ठीक है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को बाद में बनाऊंगा आपके लिए जी। ठीक है, आप देखेंगे तो एक क्लियर एक चार्ट पैटर्न बना रहा था। ठीक है, इस चार्ट पैटर्न के अंदर ही मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, और ब्रेक के बाद एग्जैक्टली अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर हमें देखने को मिल गया। ठीक है, और ये स्टॉक मैंने दोस्तों आपको अपने इंस्टाग्राम पे भी दिया था एज अ स्विंग ट्रेड। ठीक है, जिसके अंदर हमें बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली थी। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर आप देखेंगे तो मार्केट वापस से एक करेक्शन लेने आ चुका है। ठीक है, और इस करेक्शन में एग्जैक्टली इस सपोर्ट जोन पे ही कहीं ना कहीं एक पैटर्न वापस से बना रहा है, जिसको हम एज अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहेंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि मार्केट ने अपना फर्स्ट शोल्डर बनाया, ठीक है, हेड बनाया और अपना सेकंड शोल्डर बनाया। ठीक है, तो इसके एग्जैक्टली ब्रेक के बाद हम एंटर हो सकते हैं, और अपना पॉजिटिव साइड पे एक वापस से स्विंग ट्रेड हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों इंट्राडे के लिए इसमें हमारा क्या लेवल रहेगा वो मैं आपको लेवल पहले बना के दे देता हूँ, फिर स्विंग ट्रेड के लिए भी आप इसमें एग्जैक्टली उसी लेवल के ऊपर ट्रेड करके चल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका अगर करेक्ट कर देता हूं मैं इसको जरा जी, अगर आपका TCS 3518 के लेवल को पॉजिटिव साइड पे ब्रेक करता और सस्टेन कर जाता है इसके ऊपर, तब आप कहीं ना कहीं इसमें एंटर हो सकते हैं, और अपना पॉजिटिव साइड पे 1:2 का टारगेट बहुत इजीली आप इसमें अचीव करके चल सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं स्विंग ट्रेड की, तो स्विंग ट्रेड में भी आप इसके प्रीवियस हाइस तक तो अपना टारगेट लगा के चल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के स्टॉक्स, और आपको दोस्तों अगर पांचवा स्टॉक्स चाहिए तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक जैसा कि मैंने आपको बताया, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।